हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार, आप सभी को बीएससी परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले वाले लेक्चर में हम लोग थर्ड नंबर लेक्चर देख चुके थे। ठीक है, थर्ड नंबर थ्योरम देख चुके थे स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, आज हम लोग जो भी थ्योरम देखने वाले टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एस्ट्रोनॉमी के बुक हम स्टार्ट किए। एस्ट्रोनॉमी के बुक में पार्ट्स बाई पार्ट्स हम पढ़ाने वाले। अगर कोई भी टीचर आप लोग को अगर पार्ट्स बाई पार्ट्स टीचर पढ़ाए तो हमको कमेंट में कह सकते हैं। हम हर टॉपिक, हर क्वेश्चन और हर शेड्यूल में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए आप लोग को कॉपी में पढ़ाने के लिए इसलिए उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि कॉपी में हम लोग रखे हैं और सुटेबल्स आपको पूरा नोट्स वाइज तौर पर हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, जो भी पीडीएफ की जरूरत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आपको कमेंट कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन मांग सकते हैं। क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, इसके चलते अभी कुछ व्यूअर सब्सक्राइबर बहुत कम है। ठीक है, मेरा एक और चैनल है जो कि उस पर आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, उस पर भी आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, इस चैनल पर अगर कुछ सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोग हम लाइव आना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं आज अगले वाले लेक्चर के साथ हम लोग को फोर लेक्चर देना है। थ्योरम नंबर फोर देखना है, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइंस को साइंस एंड टेंजेंट ऑफ हाफ एंगल ऑफ द स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री इन टर्म ऑफ इट्स साइड। ठीक है, एक क्वेश्चन ये मेथड से पूछ सकता है। सेकंड मेथड दे सकता है आपको, इन एनी स्फेरिकल ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट। ठीक है, ये तो दो मेथड हो गए। और थर्ड नंबर में इसमें क्या पूछेगा आपको, वन नंबर में साइन कैपिटल ए बाई टू इक्वल टू रूट अंडर साइन एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस सी बटा साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2010 में, 18 में भी पूछा है, 21 में और 23 में। ये क्वेश्चन दो बार रिपीटेशन क्वेश्चन, जो मेरे दोस्त, जो मेरे बच्चे लोग हैं वो 21 या 23 या 24 में एग्जाम देने वाले, उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन रहने वाला। तो एस्ट्रोनॉमी के हर बुक का जो भी थ्योरम होगा, क्वेश्चन होगा, हम आपको बारीकी से पढ़ाएंगे। एक भी क्वेश्चन हम आप लोग को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चे वीडियो का आवश्यक से देखें। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आपको इसका सॉल्यूशन हम आपको एकदम अच्छा तरीके से अपने हैंडराइटिंग में सजा के आपको हम लिख के बताते हैं और समझाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। ठीक है, और थ्योरम को प्रूव करते हुए आगे आप लोग को हम बताते हैं कि थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे थ्योरम देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, अगर राइटिंग प्रॉब्लम हुआ था तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, राइटिंग से कोई मैटर नहीं, आप लोग अगर समझ गए तो मेरे लिए बहुत वही काफ़ी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वी नो डैट। ठीक है, क्या आप लोग लिखिएगा एक स्टेंजर, वी नो डैट बाई कोसाइंस फॉर्मूला। आप लोगों को बताया है कि कोसाइंस फॉर्मूला हर स्टेंजर में आप लोग को लिखना है। ठीक है, बाई कोसाइंस फॉर्मूला इन ए स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इन ए क्या लिखना है आपको, स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इन ए स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखना है अब वी है। ठीक है, वी है। अब हमको देखना है कि फॉर्मूला क्या था कॉस वाला, उसको प्रूफ करना। ठीक है, तो आपको हम बताया है कि कॉस का जो फॉर्मूला होता है, कॉस कैपिटल ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग रिविजन कर देगा, कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी बटा साइन बी इंटू साइन सी। इसको इक्वेशन आप लोग फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, वी नो डैट सोच कोसाइंस फॉर्मूला इन स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री इन एबीसी, वी है कॉस ए इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी बटा साइन बी इंटू साइन सी, इन इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हमको देखिए, आप लोग जानते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाउ, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, फिर वी नो डैट। ठीक, नाउ वी नो डैट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको निकालना है, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, टू साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू फॉर्मूला, इसको तोड़ेंगे टू साइन स्क्वायर बाई को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस ए। ठीक है, वन माइनस क्या हो जाएगा मेरा, कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए, वन के जगह पर वन रह जाएगा, माइनस के जगह पर माइनस, कॉस ए के जगह पर हम कितना लिए, कॉस ए के जगह पर हम लोग लिए हैं कितना लिए, कॉस ए के जगह पर कितना लिए, कॉस इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी बटा साइन बी इंटू साइन। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग कि कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी बटा साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, साइन बी इंटू साइन सी इतना हो गया मेरा। अब इसी टर्म को हमको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आगे बढ़ाते हैं। ठीक, एलसीएम लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए हम लोग इसको, अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब इतना तक आपको मालूम है, अब यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, साइन बी इंटू साइन सी तरह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन बी इंटू साइन सी, साइन बी इंटू साइन सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन से वन में भाग देंगे तो वन हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे साइन बी इंटू क्या हो जाएगा मेरा, साइन सी। देखिए साइन बी इंटू साइन सी हो गया। अब यहाँ से देखिए, साइन से साइन बी इंटू साइन सी कट गया तो मेरा ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस सबके क्या हो जाएगा अंदर में, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू क्या हो जाएगा मेरा, कॉस सी। ठीक है, कॉस सी हो गया। अब इसको एक स्टेंजर और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेंजर और आगे बढ़ते हैं। अब मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हो गया कॉस बी इंटू साइन सी हो गया, बोले सॉरी यहाँ पे साइन बी इंटू साइन सी माइनस क्या हो जाएगा कॉस से माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी हो गया ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा साइन बी इंटू साइन सी ठीक है इंटू साइन सी माइनस कॉस या माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस तो कॉस बी इंटू कॉस सी सबके बटा क्या हो जाएगा साइन बी इंटू क्या हो जाएगा साइन सी ठीक साइन बी इंटू साइन सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है एक स्टेंजर और हम लोग आगे चलते हैं ठीक है एक स्टेंजर और चलते हैं आगे तो क्या हो जाए कॉस बी इंटू कॉस सी को पहले लिखिए कॉस बी इंटू कॉस सी ठीक है प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है अब बटा में क्या हो जाएगा मेरा साइन बी इंटू साइन सी, देखिए यहाँ पे कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस में है और कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस में ठीक है साइन बी इंटू साइन सी प्लस में कॉस बी इंटू प्लस कॉस सी इंटू प्लस में तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस बी इंटू कॉस सी और प्लस में प्लस है तो प्लस साइन बी इंटू साइन सी और निगेटिव में मेरा क्या है माइनस कॉस ए निगेटिव में तो यहाँ पे माइनस कॉस ए मेरा क्या हो गया निगेटिव में होगा बटा में साइन बी इंटू साइन सी होगा ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे हो जाएगा मेरा ठीक है। तो आगे हम लोग स्टेंजर और आगे बढ़ते हैं और आगे स्टेंजर बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या रूट आ रही है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा अब देखिए यहाँ पे अब फॉर्मूला हो गया यहाँ के आप पढ़े हुए हैं फॉर्मूला इतना से इतना और इतना से इतना और यहाँ से इतना फॉर्मूला पढ़े हुए हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म पे टूट रहा है तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी आप लोग जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी तो क्या हो जाता है यहाँ पे तोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा कॉस बी माइनस सी हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस होता है तो फॉर्मूला में प्लस होता है अगर यहाँ पे प्लस होगा तो फॉर्मूला में निगेटिव होगा फिर मेरा क्या हो जाएगा निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए का ए हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा मेरा साइन बी इंटू साइन सी हो गया ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन बी इंटू साइन सी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला हो गया कि कॉस ए माइनस कॉस बी आप लोग फॉर्मूला जानते हैं पहले ही जब इस लेक्चर के स्टार्ट किए फर्स्ट वाले लेक्चर आप लोग देखिएगा तो उस लेक्चर में हम लोग बारीकी से टोटल भी जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग विस्तार से समझाया ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी इसका लेक्चर देखिए शुरू से देखिए थ्योरम नंबर वन से देखिए कि आप लोग को समझ में आए। अब यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला लगाने वाला है कॉस ए इंटू कॉस बी का वो फॉर्मूला पिछले वाले लेक्चर में लिख दिए हैं ठीक है। आप लोग चाहें तो पिछले वाले लेक्चर को देख सकते हैं चाहे यहाँ पे हमको चुकी में लिख देते हैं कॉस ए ठीक है कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला ठीक है। आप लोग को फॉर्मूला लिखवा चुके हैं इसके चलते फिर से बता दें यहाँ पर हो जाएगा टू साइन क्या हो जाएगा मेरा सी प्लस डी बाई टू ठीक है सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू ठीक है। यह फॉर्मूला आप लोग याद रखें यही फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले यहाँ पे करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा और में और हम लोग ऊपर से क्या छोड़ के आए हैं टू साइन स्क्वायर ए बाई टू ऊपर से छोड़ के अब इसको लिखते हैं अब इक्वल में करते हैं हम लोग क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू साइन यहाँ का ए और बी है इतना को पूरा ए लिखते हैं और इतना को पूरा बी ए का मान कितना है बी माइनस सी और प्लस क्या हो जाएगा मेरा ए बटा में क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे तो साइन ए माइनस बी प्लस सी क्या हो जाएगा टू हो जाएगा अब बटा में मेरा कितना है बटा में साइन बी इंटू साइन सी है ठीक। अब यहाँ पर देखिए साइन बी इंटू साइन सी है मेरा अब ये किस टेंजर और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा टू साइन बी माइनस सी बाई टू तो यहाँ पर देखिए कोई कटने वाला नहीं है तो ए प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा मेरा सी हो रहा है। अब यहाँ से टू से टू आप लोग काट दीजिए जो ये टू से टू दिया हुआ है ये टू कट गया ठीक है। अब क्या मेरा बच गया चलिए आगे इसको चलिए अब इसको आगे हम लोग समझते हैं आगे क्या हो जाएगा मेरा तो आगे हो जाएगा एक फॉर्मूला और आप लोग बता देते हैं आप लोग एक फॉर्मूला और बता देते हैं चलिए फॉर्मूला तो आप लोग जान चुके हैं ठीक है। हम लोग एक स्टेंडर और आगे बढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए बाई टू हो जाएगा यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए बाई टू तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई टू का ए बाई टू इक्वल टू हम लोग कट करके कितना है मेरा साइन और क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ए प्लस अब यहाँ पे देखिएगा ए है और प्लस में बी है तो ए प्लस बी लिख दिए और माइनस सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस सी के जगह पर सी माइनस टू सी लिख सकते हैं क्योंकि सी में से सी घट गया तो फिर क्या जाएगा माइनस सी आ जाएगा सी में से यहाँ पे सी माइनस सी लाने के लिए हमको सी में से माइनस टू सी घटाएंगे तो क्या जाएगा मेरा फिर ऊपर से माइनस सी आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर साइन ए प्लस बी प्लस ठीक है सी माइनस क्या हो जाएगा टू बी अब बटा क्या हो जाएगा टू हो जाएगा अब बटा में मेरा पूरा इक्वल कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन बी इंटू साइन सी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब फिर एक स्टेंजर और हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू अब देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी प्लस सी को हम लिखवाए हुए थे पिछले वाले वीडियो में क्या लिखवाए थे ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग टू एस लेते हैं ठीक है और माइनस क्या हो जाएगा टू सी हो जाएगा अब बटा क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं ए प्लस साइन ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है टू सी होता है। आप लोग यहाँ पे वेयर करके लिख लीजिए वेयर आप लोग हम लिखवा देते हैं वेयर टू एस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है। अगर जहाँ पे भी इतना लिखा हो
तो आप लोग इतना मान पुट कर सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा साइन, फिर लिखेंगे तो साइन, अब क्या हो जाएगा मेरा साइन पुट कर देते, इसके बाद मेरा यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 2b बटा क्या हो जाएगा 2, सबके बटा कितना चल रहा है मेरा साइन बी इंटू साइन सी चल रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रूफ होने वाला, ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, हम लोग उदाहरण तक देख चुके थे, हम लोग आगे देखते हैं, आगे से हम लोग क्या टर्म दिया हुआ, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या था मेरा साइन स्क्वायर ए बाई टू था, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या था साइन स्क्वायर ए बाई टू था, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं इक्वल, इक्वल क्या हो जाएगा मेरा साइन, और यहाँ से क्या करेंगे टू कॉमन कर लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ से टू कॉमन कर लिए तो मेरा क्या हो जाएगा एस माइनस सी इंटू साइन एस माइनस बी, ठीक है, और सबके बटा कितना हो जाएगा मेरा जो लिखते आ रहा है साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू हो जाएगा मेरा साइन एस माइनस बी इक्वल टू साइन एस माइनस सी बटा साइन बी बाई साइन सी। यहाँ पे देखिए सिर्फ चेंजिंग किया हुआ है, सी को वहाँ पे कर दिया गया, सी को बगल में और बी को इधर, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इसे आप लोगों को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, आगे में देखिए आगे कह रहा है, फिर इसको हम लोग क्या करें, इसको इक्वेशन आप लोग टू माने, वहाँ पे फर्स्ट माने थे, इसको इक्वेशन क्या माना है हम लोग को टू मानना है, ठीक है, इसको इक्वेशन हम टू मान लिए। अब एक हेडिंग और एक लैंग्वेज लिखना है, थोड़ा सा लिखना है आप लोग को, क्या हो जाएगा बट, ठीक है, बट इन एनी एनी स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री को शॉर्ट लिख दिए ट्रिगोनोमेट्री ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए लेस देन पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको इतना रखना है पाई बाई टू लेस देन ए बाई टू, ठीक है, इक्वल में क्या हो जाएगा आपका साइन ए बाई टू इक्वल टू पॉजिटिव है, ये क्या है मेरा पॉजिटिव है, कहने का मतलब जो साइन ए बाई टू का जो मान है वो क्या है मेरा पॉजिटिव मान है, ठीक है, तो पॉजिटिव मान है, अब इसको आगे चलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा वी टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट इन बोथ साइड पॉजिटिव एंड स्क्वायर बोथ साइड ऑफ टू वी गेट, ठीक है। अब हमको क्या मालूम था, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाई टू है, तो एक स्टेंजर यहाँ पे और लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेंजर और लिख देते हैं और में कि साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू साइन एस माइनस बी इक्वल टू साइन एस माइनस सी इक्वल टू साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किस और चलते हैं, साइन स्क्वायर के जगह पे ए बाई टू लिखते हैं, ठीक है, अब हम लोग क्या करें स्क्वायर को उधर रूट में भेजते थे, स्क्वायर को इधर रूट में भेजेंगे तो पूरा का रूट हो जाएगा, तो अंदर में क्या हो जाएगा मेरा साइन एस माइनस बी इक्वल टू साइन एस माइनस सी सबके बटा क्या हो जाएगा साइन बी इंटू साइन सी हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा प्रूफ करना था, क्या यही मेरा प्रूफ करना था, और एक क्या हो गया मेरा प्रूफ हो गया था। इसी तरह देखिए इस वीडियो में कुछ नहीं था, आपको हम शॉर्ट मेथड में इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अगले वाले नेक्स्ट जो हम लोग को लेक्चर पढ़ने वाला अगले वाला लेक्चर जो है उस अगले वाले लेक्चर में हम लोग फिफ्थ नंबर लेक्चर पढ़ेंगे, ये तो साइंस के बारे में था, ये साइन ए बाय टू के बारे में था, हमको क्या प्रूफ करना था साइन ए बाय टू लाना, ठीक है, साइन ए बराबर टू बराबर था साइन ए बाय टू, अब अगले वाला जो अभी लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें होगा कॉस ए बाय टू इक्वल टू प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले वाले लेक्चर के साथ।